हेलो गाइज, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आर्यन स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट, टुडे आई टीच ऑल ऑफ यू दैट्स मैथमेटिक्स ऑफ क्लास टेंथ, दैट्स चैप्टर फिफ्थ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी मीन्स समांतर श्रेणी। ओके स्टूडेंट, यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा, साथ में बेल आइकन अवश्य दबाइएगा, क्योंकि आपसे हम वीडियो का कोई चार्ज कोई पैसा और नहीं लेते हैं, सिर्फ आपका लाइक और सब्सक्राइब ही हमारे लिए काफ़ी रहेगा। ओके आइए, फर्स्ट आपके पास बुक होगा, आप बुक ओपन कर लीजिए, जो आपका क्वेश्चन है बेटा 5.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच केमी व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट केमी एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल केमी। फिर आप देखिएगा क्वेश्चन को ध्यान से, क्वेश्चन में कह रहा है कि जो टैक्सी का फेयर है फर्स्ट केमी के लिए ₹50, आफ्टर दिस एडिशनल जो केमी है वो ₹8 पर केमी है। इट मीन्स, और इसमें आपको करना है क्या बेटा, इसके अकॉर्डिंग आपको इक्वेशन का फॉर्मेशन करके ये शो करना है कि ये जो गिवेन सिस्टम है, जो गिवेन प्रॉपर्टी है, इसके थ्रू क्या एपी है या नहीं है, एपी का फॉर्मेशन आपको करना है। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट केमी इक्वल टू ₹15। ओके, जब आप फर्स्ट केमी टैक्सी से ट्रेवल करेंगे तो आपको कितने पैसे पे करना हो रहा है, ₹15। ठीक है, आफ्टर फर्स्ट केमी एडिशनल फेयर इक्वल टू ₹8। फर्स्ट आप क्या करेंगे, जब आप फर्स्ट केमी के बाद जितने भी डिस्टेंस को कवर करेंगे आपका क्या हो जाएगा, वो जो रेंज होगा ₹8 पर केमी। मीन्स कि ये जो वैल्यू है A1 की है या A की है, और ये जो वैल्यू है कॉमन डिफरेंस D की है। ओके, तो इस चैप्टर में आप क्या क्या डिस्कस करेंगे थोड़ा सा उसके बारे में हम लोग बात कर सकते लेते हैं। फर्स्ट जो चैप्टर है इसमें आप बेसिकली कोई फार्मूला नहीं यूज करेंगे, बट आपका जो इसके लिए चैप्टर 1 और 2 के लिए फार्मूला होता है बेटा, an इक्वल टू a प्लस इन ब्रैकेट n माइनस 1 इनटू d। इस फार्मूले के बेसिस पे आप एक्सरसाइज 5.1 एंड 5.2 को सिंप्लीफाई कर लेंगे, है ना। यहाँ पर देखिए जरा, फर्स्ट an इक्वल टू क्या है, an इक्वल टू दिस नंबर ऑफ लास्ट टर्म, है ना, जो an है ये लास्ट टर्म को शो करता है, और जो a है ये आपको फर्स्ट टर्म को शो करता है, और जो n होता है ये नंबर ऑफ टर्म को शो करता है, और जो स्मॉल d होता है ये कॉमन डिफरेंस। ठीक है, और इसमें जो ap होता है ये होता है बेटा a1 कॉमा a2 a3 a4 a5 डॉट डॉट, इसके टर्म में आपका क्या होता है ap होता है। देखिए जो d की वैल्यू आप फाइंड करते हैं, d इज इक्वल टू क्या होता है a2 माइनस a1 r, d इज इक्वल टू a3 माइनस a4 a3 माइनस a2 r, d इज इक्वल टू a4 माइनस a3, किसी भी प्लेस से आप d की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। इस फार्मूले का यूज आप एक्सरसाइज 5.1 और 2 में करेंगे। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, ये a1 की वैल्यू है, ये d की वैल्यू है ना, आपसे कह रहा है कि इस जो गिवन इंफॉर्मेशन है इसके थ्रू क्या आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मेशन कर सकते हैं या नहीं। ठीक है,
तो यहां से a1 is equal to dash 15, d is equal to 8, common difference हो गया और first term में given है, है ना। यदि मैं a2 की बात करूं बेटा तो क्या हो जाएगा, d plus a1, this d की वैल्यू 8 plus a1 की वैल्यू 15, now we get 15 plus 23, this a3 is equal to direct करेंगे बेटा 23 plus 8 is equal to 31, a4 is equal to 31 plus 8 is 39, and a5 is equal to 39 plus 8 is equal to 47, okay? ये आपका क्या है, एक सीरीज है। अब यहां से आप क्या करेंगे बेटा, नेक्स्ट आपका वर्क होगा कि a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2, इन टू को आप फाइंड कर लेंगे, यदि ये टू इक्वल होंगे तो आप क्या कहेंगे ये ap में है, अदरवाइज नहीं है। यहाँ पे जो ap है आपका क्या मिलेगा बेटा, a1 कॉमा a2 कॉमा a3 कॉमा a4 कॉमा a5, दिस A1 की वैल्यू है बेटा आपका 15, A2 की वैल्यू 23, A3 की वैल्यू 31, A4 की वैल्यू 39 और A5 की वैल्यू है आपका 47, है। मैं चेक करता हूँ ये करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, तो A2 माइनस A1 दिस 23 माइनस 15 इज इक्वल टू A3, A3 क्या बेटा 31 माइनस और A2 क्या है 23, दिस करेंगे तो 18 इज इक्वल टू आल्सो वी गेट हियर 18, ये क्या हो जाएगा इज एंड एपी, ये जो आपका सीरीज है एपी में है, अंडरस्टैंड। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन यही कह रहा था कि कोई टैक्सी है उसका फर्स्ट केबिन का जो फेयर है वो रुपीज कितना है बेटा, 15 है। आफ्टर दिस फर्स्ट केबिन के बाद जो उसका रेंट है वो कितना है बेटा, वो आपका 8 रुपीज पर केबिन है, है ना। मैंने यहाँ से क्या किया, फाइंड कर लिया जो आपका यहाँ से एपी था, ये फार्मूला होता है क्या, A2 is equal to D plus A1, A3 is equal to D plus A2, A3 ऐसे करके आप फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैंने ये फाइंड कर लिया A1 की वैल्यू, A1 गिवन है, A2, A3, A4, A5 मैंने AP में पुट कर दिया, बट यहाँ मैं फाइंड कर लिया, चेक कर लिया कि ये करेक्ट है इनकरेक्ट है, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 मैंने फाइंड आउट कर लिया, जो कि क्या फाइंड हुआ है 8 इज इक्वल टू 8 इज एन एपी, ये क्या है जो आपका सीरीज है ये एपी में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।